खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें ट्रक में रखी हुई रुई की 150 गठानों को बेचकर खराब रुई भरकर ट्रक में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर फिरोज ने 39 लाख रुपए की गठनों को बेचकर ट्रक में आग लगाकर बीमा वसूलने की दोहरी योजना बनाई, जो पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने मामले की पड़ताल करके आरोपी को दबोच लिया और सघन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। थाना भिकन गांव के अंतर्गत एक प्रेसिंग कपास प्रेसिंग मिल है, जिन है, वहां से एक ट्रक 150 प्रेस की हुई कपास की गठाने लेके और गुजरात के लिए रवाना हुआ। इसमें इनके जो मालिक थे कपास के, निर्मल कुमार अग्रवाल, उनका ये कहना था कि ये गाड़ी जो यहां से रवाना हुई 11 तारीख को, ये 16 तारीख तक वहां पहुंची नहीं, इसका जो डेस्टिनेशन था। और जब इन्होंने अपने लेवल पे पता किया तो पता चला कि ये ट्रक गुजरात में जहाँ जाना था अहमदाबाद के पास, वहाँ की जगह ये और आगे सुरेंद्रनगर तरफ चला गया है। इनकी सूचना पर से एक प्राथमिकी थाना भीकर गांव में दर्ज की गई, जिसमें माल की अफरा तफरी करने के संबंध में धारा 406, 407, 409, 435, 120 बी 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसको हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलन सिंह चौहान साहब द्वारा गंभीरता से लेके SDOP भिकन गांव के जो अभी प्रभारी हैं मिस्टर अजय दुबे, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया और टीम को गुजरात के लिए रवाना किया। जब ये टीम हमारी गुजरात पहुंची तो सुरेंद्रनगर जिले के अंतर्गत सायला थाना है, वहाँ पर ये ट्रक जली हुई अवस्था में मिला और उसमें कुछ रुई भी जली हुई थी। जब वहाँ पर गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि उक्त ट्रक में वो गठाने उतारने के बाद उसमें आग लगाई गई थी और इसी से षड्यंत्र की जो है हमारे को आशंका लगी। और इसी आधार पर हमने फिर ट्रक के असली ड्राइवर को ट्रैक किया। असली ड्राइवर हनुमंतिया गांव है, बलवाड़ा थाना के अंतर्गत, फिरोज, उसको हमने राउंडअप किया और राउंडअप करने के बाद पूरा खुलासा हुआ और उसके द्वारा बताया गया कि वो ट्रक ड्राइवर के साथ साथ ट्रक मालिक भी था और उसने अपने अन्य साथियों के साथ षड्यंत्र रच के और उक्त गठानों को बेचकर ट्रक का बीमा लेने की एक षड्यंत्रकारी योजना बनी और इसके बाद उन्होंने उक्त ट्रक को सुरेंद्रनगर के पास ले जाके अन्य आइशर गाड़ी और एक ट्रक में खाली किया और वो गठाने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बेजापुर करके स्थान है, वहाँ पर उसको रखवा दी। और इसके बाद उन्होंने वो जो ट्रक था जो लोड किया हुआ था उसमें आग लगा के और उसको आगजनी बताने का प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।